वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। कश्मीर प्रीमियर लीग आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आई है, लेकिन जैसा कि इस लीग का नाम कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है तो वहाँ के क्रिकेटर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर टीम में 5 से 6 कश्मीरी प्लेयर शामिल हैं। रावला कोट हॉक्स की बात करें तो यहाँ पर जो 5 कश्मीरी प्लेयर हैं उनमें से एक तो किसी तारुफ के मुताबिक में ऐसा मौजूद हैं। पाकिस्तान अंडर-19 के सबक कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन रोहेल नदीद। अस्सलाम वालेकुम रोहेल। रोहेल, कैसा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट और दीगर खेलों में और खासतौर पर अगर हम बात करें बहुत सारे और शहरों से बहुत टैलेंट आ रहा था, कश्मीर एक मुझे लगता है छुपा हुआ एक टैलेंट का हमारा जगह बाकी थी। इस कश्मीर प्रीमियर लीग ने वहाँ के क्रिकेटर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। बीइंग अ कश्मीरी, जब भी KPL का जिक्र आता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, और जब ये KPL नहीं हुई थी तो जब भी मैं कश्मीर जाता था अपने गाँव में तो वहाँ पर बहुत शौक होता था और मुझे बहुत सपोर्ट करते थे वो। और अब जब से KPL आई है 2 सालों में काफ़ी यंग प्लेयर्स जो नहीं भी खेले टीम्स के साथ होते हैं तो काफ़ी जिस तरह बिग प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स टीम्स में होते हैं उनसे सीखने को मिलता है, और बहुत एज ए यंग प्लेयर बहुत सीखने को मिलता है आपको KPL से। वेल, पहला सीजन का आपके जो कश्मीरी बाकी क्रिकेटर्स हैं या जो आप क्योंकि आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है, कैसा फीडबैक आया? और हमने देखा कि हर ही टीम में जो कश्मीरी क्रिकेटर शामिल थे पाकिस्तान के किसी भी खत्ते की तरह उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया और लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे मिलती जाएगी पाकिस्तान को भी आज से क्रिकेटर मिलेंगे। काशिफ की मिसाल बहुत बड़ी है जो कि इसी लीग से मर्ज हुए, जमान खान ने परफॉर्म किया, आसिफ आफरीदी, और मतलब कश्मीर के अलावा भी क्रिकेटर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको कश्मीर के जो नौजवान हैं उनसे? आई थिंक स्टार्ट से ही आपको पता है कश्मीर में क्रिकेट का बहुत जोश होता है। मैंने आपको बताया पहले भी जब मैं जाता था और सुनने में भी आता था कि हमेशा वो लोग सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, और जब से ये KPL आई है तब से पूरे कश्मीर में ज़्यादा क्रिकेट और समझने लग गए हैं और हार्ड बॉल की तरफ प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आने लग गए हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स आपने देखा है पिछले सीजन में काशिफ एज अ कश्मीरी अभी वो काउंटी में खेल रहा है, तो जितना जितना मौका मिलेगा, पहले इस तरह की लीग नहीं थी जो उनको मौका मिलता है, इनसे ये होगा कश्मीर से भी प्लेयर प्रोड्यूस होंगे माशाल्लाह से अच्छे आ रहे हैं, और बस इसी तरह अगर ये लीग इंशाल्लाह आगे से आगे जाएगी इंशाल्लाह। वेल, जो आपकी टीम है रावला कोट हॉक्स, इसमें आपके अलावा भी 4 और कश्मीरी प्लेयर हैं, तो अब तक कैसा उनके साथ जो है वो आपका इंटरेक्शन रहा है और कितने वो एक्साइटेड हैं अभी उनसे भी बात करेंगे आगे चल के कि इस सीजन 2 में भी उसी तरह फ़ायदा उठाना है और जैसे नज़रों में आना है पाकिस्तान की आने वाली जो PSL हो जाए या बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट है, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। बेसिकली मेरा ताल्लुक कश्मीर से ही है तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं यंग मेरे साथ काफ़ी घुल मिल के रहते हैं क्योंकि मेरे को पहले से जानते हैं बीइंग अ कश्मीरी, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है और मेरे से जब भी बात होती है मैं खुद भी जो भी हमारी टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं अहमद भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, उनसे पहले भी मैं मिला हुआ हूँ, ऑब्वियसली इनके लिए फ़र्स्ट मौका है तो बहुत एक्साइटेड हैं ये, और मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि मैं खुद भी सीखता हूँ तो आप लोग भी उनके साथ बात करते हुए, क्योंकि वो अच्छे हैं और वो गाइड करते हैं, तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको सीखने को चीज़ें मिलती हैं, इसी से आप ग्रूम्ड होते हो और फिर आगे जाके अच्छी क्रिकेट खेलते हो। अच्छा, रावला कोट हॉक्स ने जो ट्रॉफी की थी और उसके बाद सीजन से पहले ट्रॉफी लेकर गए, हमने देखा कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला सड़कों पर, उसने ट्रॉफी देखी तो ये मनाजिर बहुत ही कम देखे हैं हमने कश्मीर में से पहले, तो ये जो आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा मोटिवेशन के लिए जब आप अहमद शहजाद को और आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स आज के आसिफ गए थे और इसके अलावा दीगर क्रिकेटर्स सबको देख कर बड़े मोटिवेट हुए होंगे, और कैसा लग रहा था जब ये सारे आपने मनाजिर देखे कि कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग की फातह टीम और रावला कोट से कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत जोश था, लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वहाँ पे, एक तो चैम्पियन टीम है तो लोग काफ़ी खुश हो के, अहमद भाई आमिर भाई लेजेंड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, इन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया तो उनको देख के उनको एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बहुत आप पंजाब वाली साइड पे तो प्लेयर्स फिर भी आते रहते हैं, तो कश्मीर में यही मौका होता है KPL का कि वो लोग जाते हैं और फिर उस वजह से ही वो लोग काफ़ी उनका जो जोश होता है वो बहुत ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम वो देखते हैं
तो बहुत मज़ा आया, ट्रॉफी भी जीते हैं और अभी भी हमारे पास जैसे प्लेयर हैं और हमारी काबला को टॉप टीम है, तो उम्मीद यही है कि हम कश्मीरी में से ही टीम में ऐसा परफॉर्म करेंगे कि यह टीम दोबारा विन करें। आखिर में रोहित, जो रावला कोट के फैन हैं या फिर जो कश्मीरी फैन हैं, उनके लिए कोई खास पैगाम आप देना चाहते हैं सीजन से पहले? और बड़ी बड़ी सपोर्ट है, क्या कहेंगे सामने देखते हुए? कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए मेरा यही पैगाम है कि KPL इज़ द बेस्ट लीग और आगे प्रोग्रेस हो रही है। पिछले साल भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए और काफ़ी दुनिया ने देखा है। अभी मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ पे भी KPL की बात होती थी, तो KPL इज़ बहुत अच्छी ग्रूम्ड हो रही है। तो मेरी यही कोशिश है कि सब लोग KPL को सपोर्ट करें और स्पेशली रावला कोट हॉक्स को, और इंशाल्लाह हम लोग अच्छा करेंगे और इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया रोहित, ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन 2। थैंक यू।